हाय फ्रेंड्स, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं भारत और आसियान के बीच में संबंधों की, कि आखिरकार में भारत और आसियान के बीच में संबंध अच्छे रहे या बेकार है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि आसियान जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, पूरा खोलकर बता दिया था, ठीक है। संस्थापक देशों की बात कर ली थी कि आसियान जो संगठन है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनकी बात कर ली थी, इसके कार्य और उद्देश्यों की बात कर ली थी, और आसियान प्लस थ्री, आसियान प्लस वन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख लो, क्योंकि पिछली वीडियो जब तक नहीं देखोगे जब तक इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं पहले बता दूँ कि जो भारत और आसियान है उसके संबंधों को कुछ कालों में बांटा गया है, यानी कुछ चरणों में बांटा गया है, टाइम निश्चित किया गया है कि इसमें तो अच्छे रहे और इसमें बेकार रहे। तो प्रथम चरण देख रहे हैं अपन, इस सारे में प्रथम चरण देखेंगे, ठीक है। प्रथम चरण 1967 से 1990 के बीच में माना जाता है, ठीक है। ये जो 1967 दिख रहा है आपको, ये 1967 है ना, टाइम इसीलिए लिया गया है क्योंकि अगस्त 1967 को जो आसियान था, आसियान, ठीक है, जो आसियान था उसका निर्माण हुआ था, उसकी स्थापना की गई थी, इसलिए यहां से शुरू होगा और 1990 तक संबंध देखेंगे। तो सब ये जो शासनकाल था इसमें कुछ खास संबंध नहीं रहे, ठीक है। भारत और आसियान के बीच में ये जो प्रथम चरण था इसमें कुछ खास संबंध नहीं रहे, और इसके कारण भी दे रखे हैं कि क्यों भारत और आसियान के बीच में ये जो चरण है उसमें अच्छे संबंध क्यों नहीं रहे। तो इसमें पहले ये स्थिति देखने का प्रयास करेंगे प्रथम चरण वाली, फिर ये समझ लोगे तो इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्रथम स्थिति में ये दे रखा है कि शीत युद्ध का नाम आपने अवश्य सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में। शीत युद्ध 1945 से 1990 के बीच में चला। 1945 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1945 को ये युद्ध शुरू हुआ था। सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, और उसके बाद में विश्व दो गुटों में बट गया, ठीक है। विश्व दो गुटों में बट गया, और दो गुट कौन कौन से थे। पहला जो गुट था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे USA बोला जाता है, ठीक है। दूसरा गुट था सोवियत संघ, यानी काफ़ी सारी देश मिलाकर सोवियत संघ बना, इसको रूस कहा जाता था, जिसे USSR कहा जाता है, सोवियत संघ को, ठीक है। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसकी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा का ये समर्थक था, ठीक है। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है, जिस राष्ट्र में पूंजीवादी विचारधारा यदि है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो देश का जो पूरा सिस्टम है वो पूंजीवादियों के हाथों में होता है, जो धनी वर्ग होता है उसके हाथों में होता है, जो सरकार होती है उसके हाथों में बहुत ही कम कार्य होते हैं, सारी शक्तियाँ पूंजीवादी जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा धन है उनके पास में होता है, इसीलिए इसे पूंजीवादी विचारधारा कहा गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा थी। दूसरी बात, यहाँ पर सोवियत संघ था उसमें साम्यवादी विचारधारा थी, यानी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था सोवियत संघ। अब ये साम्यवादी विचारधारा क्या होती है, साम्यवादी विचारधारा जिसमें सरकार के हाथों में जो देश है, सरकार के हाथों में पूरे देश का जो ढांचा टिका होता है, सरकार सारे फैसले लेती है, जो पूंजीपति होते हैं उनके हाथों में बहुत ही कम कार्य देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों विचारधारा एक दूसरे के विपक्ष में है, इसीलिए इन दोनों के बीच में युद्ध, जो शीत युद्ध चला था उसके दो कारण माने जाते हैं। पहला तो दोनों की विचारधारा अलग थी, ठीक है, हमने देख लिया दोनों की विचारधारा अलग थी। दूसरी बात ये आ रही है कि दोनों शक्तियां ही विश्व
की महाशक्तियां बनना चाहती थी। ठीक है, आपने 1945 के पहले देखा होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, यानी ब्रिटेन और फ्रांस दो महाशक्तियां थी, लेकिन 1945 के बाद पहले कुछ ऐसा हुआ इस युद्ध में कि ब्रिटेन और फ्रांस महाशक्तियां नहीं रही और 1945 के बाद में इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। और ये जो शीत युद्ध था ना, ये कोई बम उम डालना ये नहीं था, इसमें कोई बड़ी हानि नहीं हुई, इसमें सिर्फ एक दूसरे धमकी देते रहे, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन युद्ध इतना बड़ा नहीं हुआ। वाक युद्ध था, वाक युद्ध का मतलब जानते हो, बस बोली से ही कुछ करना बस ये, क्योंकि इस समय यूएनओ सक्रिय था। ठीक है, यूएनओ आप जानते हो, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ सक्रिय था, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय विद्यमान था और दोनों के बीच में कोई बड़ी हानि नहीं होने दी। तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर क्या हुआ कि सोवियत संघ, यानी 1990 को सोवियत संघ का बिखराव हो गया कुछ कारणों से। ठीक है, बिखराव हो गया और विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। ठीक है, अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, दो गुटों में बट गया, शीत युद्ध क्या था, दोनों के बीच में वाक युद्ध था, दोनों की विचारधारा अलग थी, दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण दोनों में मंति नहीं थी, 1990 को सोवियत संघ टूट गया और विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बचा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसमें अपन को यह समझ में आ जाएगा कि भारत और आसियान के बीच में संबंध अच्छे क्यों नहीं हो पाए। पहले तो ये समझो कि जो आसियान संगठन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन किया, आसियान का झुकाव, जो झुकाव यानी झुकाव झुकाव जो होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ होता था और अमेरिका की विचारधारा कैसी थी, पूंजीवादी विचारधारा थी। और यहाँ पर भारत को यदि देखोगे तो भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया, यूएसएसआर, और इसकी विचारधारा कैसी थी, साम्यवादी विचारधारा। तो अलग अलग राष्ट्रों की यदि विचारधारा इन्होंने अपना ली तो इन दोनों के बीच में कैसे बनेगी, अच्छे संबंध कैसे होंगे, आप बताओ मेरे को। ठीक है, भारत ने सोवियत संघ की विचारधारा को अपना लिया, अपनाया नहीं, सिर्फ झुका हुआ था, यानी बस समर्थन करता था, क्योंकि आप भारत में लोकतंत्र चलता है और सरकार की सब कुछ चलती है, यहाँ पर भी सरकार की चलती है, दोनों दोस्त मिल गए और इसकी तरफ झुकाव हो गया, आसियान संगठन ने इसका इसकी तरफ झुकाव हो गया। ठीक है, तो अब ये अलग अलग विचारधारा को अपना लिया, इनकी दोनों की नहीं बन रही तो इनकी दोनों की काम बनेगी, सीधी सी बात है। तो इस चीज को समझ लो कि आसियान संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा को अपना लिया था, झुकाव हो गया था, और भारत सोवियत संघ की विचारधारा को अपना लिया था, इसी कारण दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाए। और ये स्थिति आपको यह स्थिति जिस टाइम शीत युद्ध चल रहा था उस समय ये स्थिति हुई, इसीलिए दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाए। आपको क्लियर हो गया होगा प्रथम चरण की दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित क्यों नहीं हो पाए। इसके बाद फ्रेंड दूसरा चरण देखते हैं कि इस दूसरे चरण में इनके बीच में कैसे संबंध स्थापित हुए, वो देखना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा चरण चलेगा, दूसरे चरण में कैसे संबंध हुए, ये चरण 1990 के बाद शुरू हुआ, इस चरण में काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित हो गए दोनों के बीच में, यानी पहले से बहुत अच्छे संबंध इस चरण में देखे गए 1990 के बाद में, लेकिन इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित क्यों हुए, क्या कारण रहे, तो वो देखेंगे। इसमें कारण ये था कि 1990 का जो भारत था वो बहुत ही भयावह था, क्योंकि पहला कारण तो ये है कि आर्थिक संकट, भारत पर आर्थिक संकट पड़ा। ठीक है, दूसरा भूमंडलीकरण का दौर चला, भूमंडलीकरण का दौर क्या होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में व्यापार कर सकता था, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में घूमने जा सकता था, यानी चीज़ों का आदान प्रदान हो गया, एक ऐसा मंच विश्व को मिल गया जहाँ पर कोई भी राष्ट्र अपनी वस्तुओं को ले जा सकता है,
बेच सकता है, जैसे चीन में चीन का माल भारत में बिकता है, भारत का और दूसरी कंट्रियों में जाकर बिकता है। तो ऐसे एक दूसरे की संस्कृति है ना, उसका भी आदान प्रदान हुआ और वस्तुओं का भी आदान प्रदान हुआ, जिसे भूमंडलीकरण कहा जाता है, इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी स्थिति ये थी। तीसरी स्थिति सोवियत संघ का बिखराव, यानी सोवियत संघ टूट चुका था, 1990 की बात है। पिछले चरण में यानी प्रथम चरण में हमने देखा था कि 1990 में सोवियत संघ टूट गया और विश्व की महाशक्ति सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। सोवियत संघ के टूटने से भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि इसका समर्थन करता था और इससे भारत को कुछ आस थी कि हमारी स्थिति ये परफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये टूट गया। तो ये जो तीनों चीज हैं उससे भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसी कारण अब भारत ने एक नई पॉलिसी लाई, भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक नई पॉलिसी जोड़ी, उसे लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें मैं समझा दूंगा अभी। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक यानी देखना, ईस्ट यानी पूर्व और पॉलिसी यानी नीति। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो, भाई भारत की आर्थिक स्थिति खराब है तो पूर्व की ओर देखो। पूर्व भारत का पूर्व कौन सा है? ये सारा राष्ट्र आ जाएंगे, यानी ये जो सारा है ना वो आसियान ही है, ठीक है। ये जो सारा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं, ये सारे यहाँ पर देखो, इंडोनेशिया आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार यहाँ पर पड़ता है, और भी सारे जैसे सिंगापुर आ जाएगा, ब्रुनेई आ जाएगा, वियतनाम, लाहौस, ये सारे राष्ट्र हैं। यानी आसियान के सारे राष्ट्रों को मिलाकर एक आसियान संगठन बनाया गया था। तो ये आसियान संगठन ये पूरा ये भारत के पूर्व में पड़ता है, इसलिए अब भारत इन राष्ट्रों की तरफ देखने लगा, इन राष्ट्रों की तरफ देखने लगा भारत, कि यहाँ से अपन की जो स्थिति है वो ठीक हो सकती है। क्योंकि 1990 के बाद में आसियान में आने वाले जो राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, और भारत की है ना जो ख़राब हो गई। इसलिए भारत पूर्व की ओर देखने लगा, इस नीति का पालन किया। ये नीति सिर्फ ये कहती है कि पूर्व के जो राष्ट्र हैं इनसे अच्छे संबंध बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। पूर्व देखो नीति सिर्फ यही कहती है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी यही थी कि पूर्व की ओर देख, आसियान की तरफ देखकर उनसे अच्छे संबंध बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। अब ये सब हुआ तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध तो स्थापित होंगे, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार इनसे मदद भी मांगी गई और आखिरकार में इनके रिश्ते अच्छे भी हुए। अब लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने अपना लिया 1990 के बाद में, ठीक है। अब 1990 के बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी को अपना लिया गया तो इसके परिणाम क्या हुए वो भी तो देखते हैं। भारत ने आसियान से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारे काम किए, तो इसका परिणाम क्या निकला वो देखते हैं। पहला परिणाम ये निकला कि 1992 को भारत को आसियान के साथ वार्ताकार का दर्जा दे दिया गया। यानी 1992 था उसमें भारत आसियान से बातचीत कर सकता है, ऐसा उनको दर्जा दे दिया गया भारतीयों को। पहले ये भारतीयों को दर्जा नहीं था, क्योंकि ये जो 1992 है ना यहीं से इनके अच्छे संबंधों की शुरुआत मानी जाती है, तो इनको वार्ताकार का दर्जा दे दिया गया। पहला तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा 1996 में, यानी सॉरी 1996 में भारत को आसियान की प्रत्येक मीटिंग, यानी आसियान की जितनी भी मीटिंग होती थी उनमें भाग लेने का दर्जा भारत को दे दिया गया 1996 में, ठीक है। भारत को दर्जा दे दिया गया कि आसियान की जितनी भी मीटिंग होती है उसमें आप भाग ले सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरी बात ये है कि 2001 में आसियान ने भारत को आसियान प्लस वन का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। आसियान प्लस वन क्या है कि आसियान तो एक तरफ, पिछली वीडियो में मैंने ये समझा दिया था,
आसियान के पूरे राष्ट्र एक तरफ और भारत एक तरफ, दोनों में जो मीटिंग होती थी, किसी विषय पर चर्चा होती थी, उसको आसियान प्लस वन का दर्जा दे दिया गया और ये सब आसियान प्लस वन में ही आता है। अब भारत आसियान के पूरे राष्ट्रों से मीटिंग कर सकता था, ये दर्जा यहाँ पर दे दिया गया। ये 2001 की बात है। 2009 की बात है। 2009 में भारत और आसियान के बीच में बापटा समझौता हुआ। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, ठीक है, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी भारत आसियान फ्री समझौता 1909 में। तो आप ये देखोगे कि धीरे धीरे जैसे 1992 में कुछ मिला इसके साथ में, आसियान के साथ में 1996 में, धीरे धीरे भारत है ना इसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, आसियान के साथ अच्छे संबंध बनाता ही जा रहा है, आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। 1909 तक इनको, इनके बीच में एक समझौता भी हो गया। तो धीरे धीरे भारत आसियान से अच्छे संबंध बना रहा है क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति 1990 के बाद में अच्छी हो गई थी, 1990 के पहले अच्छी नहीं थी, और भी कारण मैंने बता दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक देखते हैं इसी में कि आसियान की भूमिका और मूल्यांकन, आसियान की क्या भूमिका रही है उसका मूल्यांकन करना है अपन को, और इसी में ये भी देखेंगे कि भारत के लिए आसियान क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है आसियान भारत के लिए, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है यदि आसियान भारत का पूरी तरीके से साथ देता है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है पैसे संबंधित वो स्थिति मजबूत हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि चीन को प्रति संतुलित करने के लिए यदि आसियान और भारत मिल जाएं पूरी तरीके से, तो चीन की शक्ति को संतुलित किया जा सकता है क्योंकि चीन धीरे धीरे शक्ति अपनी बढ़ाता ही जा रहा है। उसकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति उसकी ये है कि आक्रमण करो और अपने साम्राज्य का विस्तार करो, ये उसकी विदेश नीति है। तो यदि चीन को आप देखोगे कि भारत की सीमाओं में घुसने का वो प्रयास कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, इधर आप चले जाओ लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है, जो भारत की जो सीमाएं उत्तर पूर्व की सीमाएं, वहाँ पर कई सड़कों का निर्माण कर लिया और जब भारत बनाने जाता है तो मना कर देता है यानी विद्रोह हो जाता है। तो ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जो पहले का चीन था, उस पहले के चीन में बहुत सारी शक्तियाँ थी 1950 के आसपास, लेकिन वो शक्तियाँ धीरे धीरे नष्ट हो गई, लेकिन अब दोबारा से चीन उठने का प्रयास कर रहा है और उसको संतुलित किया जा सकता है भारत और आसियान मिलकर, ठीक है। तीसरी देखोगे कि हिंद महासागर सुरक्षित नहीं है, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए दोनों राष्ट्रों को, दोनों यानी भारत और आसियान को मिलना होगा हिंद महासागर की सुरक्षा करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे अमेरिका हिंद महासागर में अपनी यानी हिंद महासागर में अधिकार जमाने लगा, ठीक है। चीन भी धीरे धीरे श्रीलंका, यानी श्रीलंका हिंद महासागर के पास में पड़ता है, जो भारत है ना उसके दक्षिण में श्रीलंका पड़ता है, और ये क्या कर रहा है चीन कि इन राष्ट्रों को पैसों का लालच देकर अपनी ओर ले लेता है, और ये जो हिंद महासागर है इनमें कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है। तो धीरे धीरे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे और बेटर संबंध बनाकर भारत को गेंदने का प्रयास कर रहा है ये। तो हिंद महासागर की सुरक्षा तब भी होगी जब ये दोनों भारत और आसियान मिल जाएँ, तो हिंद महासागर की सुरक्षा हो सकती है। चौथा पॉइंट इसी में कि भारत, ठीक है, भारत और आसियान मिलकर जो आतंकवाद है, आतंकवाद की जड़ को समाप्त कर सकते हैं दोनों, यानी दोनों मिलकर एशिया में तो कर ही सकते हैं ना, यानी संयुक्त मोर्चा ले सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि चीन आतंकवाद को ख़त्म करना नहीं चाहता, चीन पाकिस्तान का साथ देता और पाकिस्तान खुद आतंकवादी देश है, वो हिजबुल्ला मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है उसका साथ देता है, और पाकिस्तान को आतंकवादी देश होने से यूएनओ में बचा लेता है। तो ये चीज़ें हैं, तो दोनों मिलकर आतंकवाद को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं ये दोनों मिलकर, ठीक है।
पांचवी बात यह है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है एशिया में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। तो इस सॉफ्टवेयर को आसियान में काम लिया जा सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आसियान के जो राष्ट्र हैं उनमें नए कीर्तिमान खड़े स्थापित किए जा सकते हैं। इसीलिए दोनों के बेटर संबंध होना बहुत ही जरूरी है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, भारत के लिए आसियान क्यों जरूरी और आसियान भारत के लिए क्यों जरूरी और भारत आसियान के लिए क्यों जरूरी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा वो बीए पार्ट थर्ड के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि अब परीक्षा का सीजन चल रहा है बीए पार्ट थर्ड के लिए, तो उनकी जो सहायता के लिए मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो देखना ना भूलें, अगली वीडियो स्टोरी है यानी हिस्ट्री इतिहास संबंधित भी हो सकता है टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस संबंधित भी हो सकता है, ज्योग्राफी संबंधित भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।